हेलो गाइस, स्वागत है आपके न्यू बोर्ड में। तो मैं आपका जुबैर सही है। तो आज हम बनाने वाले हैं फ्रेम में, अपन बॉक्स बनाने वाले हैं, आगे स्लाइडिंग करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कैसे वीडियो में दिख रहा है, यही पूरा प्रोसेस आपको आज दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को नए हैं चैनल पर तो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो ये अभी पूरा बॉक्स बनाने वाले हैं, तो चलिए बिना देरी किए अभी वीडियो शुरू करते हैं। कैसे क्या होगा ए टू जेड आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेक्शन को हम काटेंगे। तो चलिए अपन मशीन की मदद से अपना जो साइज है ऐसा लेंथ में 2 फिट है, चौड़ाई में अपना 2 फिट 18 इंच है और लंबाई में 3 फिट है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका साइड का जो पट्टी है वो काट लेंगे सारा। तो ये देखिए अपना कातरे में काटेंगे ताकि अपना कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये सब पट्टी काटने के बाद ये देखिए फाइनली अपना सब पट्टी कट चुका है मशीन के द्वारा, ये अपना माप था। तो अभी क्या करेंगे, इसमें पंचिंग करेंगे हम। तो चलिए अब इसको पहले क्या करेंगे, इस पंचिंग करेंगे। तो ये अपना पंचिंग है, हमने इसका फर्मा बना के रखा है। तो इसको लेबल करके इधर हथौड़ी की मदद से इस पर पंचिंग कर लेंगे गाइस। पंचिंग बोले तो इस पर होल मारने के लिए थोड़ा अपना आसान हो जाएगा। तो ये स्टिकर वगैरह इसका निकाल के अभी क्या करेंगे, ये अपना 5 mm का हमने ले लिया है, बीट ले लिया है 5 mm का। अभी हमने जिधर पंचिंग किया उधर होल मार रहे हैं हम। फिर होल मारने के बाद इसको जॉइंटिंग करेंगे, आपको वो भी दिखाने वाले हैं कैसे जॉइंट होगा कैसे नहीं होगा, क्या क्या लगेगा इसके लिए। स्क्रू वगैरह लगेगा, 3 इंच का स्क्रू ले लेंगे ब्लैक वाला। तो ये देखिए इसी तरह से सब में मार लेंगे। तो ये देखिए अभी क्या करेंगे, 3 इंच का स्क्रू ले लिया हमने, इसको हम एल में जोड़ेंगे पहले। सब जितना भी अपनों ने कटिंग किया बोले तो 5 पीस अपने को लगने वाला है। एल में जोड़ने के बाद ये देखिए इन सारों को एल में जोड़ देंगे। फिर इसके बाद में ये देखिए एल में जोड़ने के बाद क्या करेंगे, हम इसको इसका पूरा फ्रेम बना लेंगे। तो इसको इस साइड से भी जोड़ देंगे, चारों तरफ से इसको जोड़ने के बाद फिर इसका गिलास का साइज भी अपन निकालने वाले हैं। तो इसी तरह से ये देखिए ये वाले हैं, इसी तरह से वो पीछे जो रखे हैं उन सब का भी जोड़ने वाले हैं। ये देखिए फाइनली अब देख रही है, अभी लास्ट इसका स्क्रू बचा है, 3 इंच के का स्क्रू और 1 इंची का स्क्रू इसमें हमने यूज किया है। आप जितना चाहिए अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से इसमें लग चुका है, अभी सारों में लग चुका है। ये देखिए पीछे अपने सारे लग चुके हैं गाइस। तो अभी क्या करेंगे, अपन इसका माप निकालेंगे, ये अपना लास्ट बचा है। तो चलिए अपन माप से क्या करेंगे, अंदर अंदर अपने ये सारे फ्रेमों का माप निकालेंगे। तो देखते हैं अपना अंदर अंदर माप कितना है अपना, 32 6 7 2 इंच। क्या करेंगे, आधा इंच इसको बढ़ा देंगे इस साइड से, और इस साइड से भी आधा इंच बढ़ा देंगे अपना, 17 इंच 17.5 इंच कर देंगे इसको। तो इसी तरह से क्या करेंगे, उन सब का भी लेके आपको माप दिखाएंगे बारीकी से। तो गाइस इन सब का भी माप ले लेंगे बोले तो, अंदर से माप लेने के बाद गाइस फ्रेम बनाने के बाद आधा आधा इंच हम चारों तरफ से बढ़ा देंगे गाइस। बोले तो एक साइड से आधा इंच बढ़ा देंगे तो दोनों तरफ का कवर हो जाएगा इसमें गाइस। तो अभी क्या करेंगे, ग्लास कट करेंगे। तो ये देखिए फाइनली अपन ग्लास कट करना चालू हो चुका है, अपनों ने साइज वगैरह निकाल लिया है आपके सामने। तो क्या करेंगे गाइस, ग्लास कट करने के बाद फिर इसको फ्रेम में जोड़ने वाले हैं। तो ये देखिए एक ग्लास इसका कट हो चुका है, अब बाकी का एक पीस ये देखिए लास्ट बचा है गाइस थोड़ी देर के बाद। तो ये देखिए ये भी कट होने वाला है। तो अभी क्या करेंगे, ये देखिए ये कटने के बाद अब इसको ग्लास पे रबड़ चढ़ाएंगे अपना जो फ्रेम में जाएगा। तो ये देखिए अपना क्लियर रबड़ है 4 mm का, तो इसमें देखिए रबड़ चढ़ाएंगे अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से कोपरे को थोड़ा थोड़ा काट लेंगे गाइस कोने पे। काटने के बाद ये देखिए काटने के बाद इसको कोने पे काटने के बाद अभी लास्ट का है पूरा काट देंगे। तो काटने के बाद क्या करेंगे, अभी इसका ये फ्रेम खोल लिया है हमने। तो फ्रेम खोलने के बाद क्या करेंगे हम इसको गाइस, देख सकते हैं आपके सामने ये हम इधर फ्रेम को इसमें डाल देंगे गाइस चारों तरफ से अच्छी तरीके से। डालने के बाद क्या करेंगे गाइस, अभी इसका स्क्रू लगाएंगे। स्क्रू हम 3 इंच का स्क्रू लिया है हमने और एक तरफ से लिया है 1 इंच का स्क्रू, आप अपने हिसाब से जितना चाहिए उतना दे सकते हैं। तो ये स्क्रू लगाने के बाद क्या करेंगे, अच्छी तरीके से चारों तरफ के स्क्रू लगा लेंगे और एक बार चेक कर लेंगे चारों तरफ के। ये देखिए लास्ट स्क्रू बचा है। तो इसी तरह से ये देखिए इसमें लग चुका है, अभी ये अपना बड़ा वाला पीस है। तो ये देखिए छोटे वालों में हो गया, अभी ये लास्ट अपना पीस बड़ा वाला बचा है, इसमें भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए अच्छी तरीके से बैठने के बाद, ये देखिए सारों में बैठा दिए, अच्छी तरीके से बैठने के बाद क्या करेंगे, अभी ये फ्रेम जोड़ेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले हमने बड़ा नीचे रख लिया, एक साइड में खड़ा कर लिया, इधर भी खड़ा कर लिया, इधर भी खड़ा करने के बाद क्या करेंगे गाइस, अभी स्क्रू की मदद से हम इसको सीधा बॉक्स जॉइंटिंग करेंगे। अभी ये देखिए अभी स्क्रू की मदद से साइडों से 2-2 स्क्रू मारेंगे हम इसमें, एक नीचे एक ऊपर, फिर बाद में मारेंगे थोड़ा टेक्चर पहले तैयार करने के बाद गाइस, फिर अच्छी तरीके से स्क्रू सब में मार देंगे। तो ये देखिए नीचे मार देंगे स्क्रू, फिर इधर एक स्क्रू इधर ऊपर मार देंगे अभी फिलहाल में टेक्चर तैयार करने के लिए, फिर अच्छी तरीके से मारेंगे। अभी इस साइड भी गाइस क्या करेंगे, उसी हिसाब से इस साइड भी ऊपर एक स्क्रू मार देंगे गाइस और नीचे भी एक स्क्रू मारेंगे। तो ये देखिए ऊपर वाला स्क्रू लग रहा है, तो
क्या करेंगे, इसी तरह से ये ऊपर वाला लगने के बाद नीचे भी मार लेंगे। अच्छी तरीके से अपने लेवल वगैरह सब देख लेंगे, फिर उसके हिसाब से गाइस मारेंगे। इसमें माइनस प्लस भी करना पड़ता है अपना माप वगैरह, इसमें आप कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए, जितना बड़ा आपके साइज के हिसाब से अपना पट्टी का माइनस कर सकते हैं। हमने माइनस कर दिया है, तो ये देखिए ये हो चुका है। अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला टॉप रख देंगे। ये देखिए ऊपर वाला टॉप रखने के बाद ऊपर का एक टॉप है वो भी रख दिया है। अभी इसमें क्या करेंगे, स्क्रू मार देंगे। इसमें भी थोड़ा टेक्चर के लिए दो दो स्क्रू मार देंगे कोनों कोनों पे, बाकी में अच्छी तरीके से पूरा बॉक्स बनने के बाद फिर मारेंगे हम गाइस। तो ये देखिए स्क्रू अपना लग रहा है, तो ये देखिए स्क्रू क्या करेंगे, छोटा स्क्रू ले लेंगे 1.5 इंची का, ताकि अपना गिलास में भी टच नहीं हो। 1.25 इंच का अपना ये पट्टी है, 1.25 इंच अपना उसमें चला जाए, गिलास में भी टच नहीं होगा अपना गाइस। तो ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे देखिए गाइस, ये इसके बाद में इस कोने को भी मार देंगे और इधर भी मार देंगे। अभी क्या करेंगे, अच्छी तरीके से सब में स्क्रू मार देंगे गाइस। तो ये देखिए फाइनली सब में अपने स्क्रू लग चुके हैं, ये लास्ट स्क्रू बचा है। तो ये देखिए सब अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। अभी क्या करेंगे, आगे अपन टू ट्रैक का स्लाइडिंग करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका माप लेंगे हम। तो माप लेने के बाद गाइस इसका वजह वगैरह सब अच्छी तरीके से कर देंगे। वजह वगैरह करने के बाद चलिए अभी इसको कटिंग करेंगे हम। ये देखिए अपना बॉक्स, ये अभी कटिंग करेंगे अपने जो फ्रेम का साइड का, जो अपन टू ट्रैक का स्लाइडिंग करने वाली है। अपना चैनल है टू ट्रैक का, टॉप बॉटम है अपना, ये बेयरिंग बॉटम भी है, ये देखिए साइड वाला। तो चलिए इसको काटने के बाद क्या करेंगे, अभी ये बेयरिंग बॉटम काटेंगे अपना, जो नीचे वाला है जिसपे अपना स्लाइडिंग चलने वाला है, ये काटने के बाद अब चलिए बॉक्स में इसको फिट करेंगे। तो ये देखिए लास्ट पीस बचा, कट गया वो भी। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे का अपन जो बेयरिंग बॉटम है वो बिठाएंगे। तो सबसे पहले स्क्रू की मदद से गाइस इसको बेयरिंग बॉटम को बिठा देंगे। एक स्क्रू इधर मारेंगे, इसको ऊपर को इस कोने को मारेंगे, ताकि अपना जो स्लाइडिंग चले स्क्रू इतना स्क्रू उसमें नहीं कटे गाइस। तो ये करने के बाद क्या करेंगे, उस साइड भी एक स्क्रू मार देंगे, इसमें अच्छी तरीके से फिट हो जाए अपना स्क्रू। एक बार चेक कर लेना है अच्छी तरीके से, फिर इसके बाद में ये साइड वाला भी अपन खड़ा करके इसको भी स्क्रू मार देंगे डायरेक्ट। ये देखिए साइड वाला बराबर से साइज ले लिया है इसका अच्छी तरीके से, माइनस भी नहीं जो था सब करके। तो क्या करेंगे, इधर भी स्क्रू मार देंगे गाइस, तो इस साइड भी स्क्रू मार देंगे। ये देखिए ऊपर मारने के बाद क्या करेंगे, नीचे भी स्क्रू मार देंगे गाइस। अच्छी तरीके से अपना जाम हो जाएगा, तो क्या होगा अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगा स्लाइडिंग करने में। तो ये देखिए हमने स्लाइडिंग जो था अपना सब ओके करके रख लिया है, अपना जो जो मटेरियल इसको लग रहा था। अभी क्या करेंगे, इसमें बेयरिंग बिठाएंगे अपन, लॉक वगैरह सब बिठा दिए, इंटरलॉक वगैरह और ये सब अपनों ने बिठा दिया, खाज वगैरह सब मार दिया गाइस। तो क्या करेंगे, अभी ये बेयरिंग बिठा देंगे। बेयरिंग बिठाने के बाद क्या करेंगे, चलिए अभी इसको इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले ऊपर का जो टॉप है वो रख लेंगे, टॉप डायरेक्ट डालेंगे ताकि अपना डलेगा नहीं। तो ये देखिए इसके ऊपर टॉप रखने के बाद अपने स्लाइडिंग को, ये देखिए अपना डल चुका है। तो ये देखिए अपना देख लेंगे अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अभी ये साइड वाला भी इसमें गाइस डाल देंगे। तो ये देखिए साइड वाला इसमें लगाने के बाद क्या करेंगे, इसमें अच्छी तरीके से लेवल देख लेंगे, अपना कांतरा मिला लेंगे। अभी इसमें भी स्क्रू मार देंगे गाइस। पहले सबसे पहले ऊपर वाले में मारेंगे स्क्रू अपन, ताकि अपना इधर उधर नहीं भागे। फिर इसके बाद में इसमें साइड वाले में भी मार देंगे स्क्रू गाइस अपना। तो ये वाला स्क्रू मारने के बाद क्या करेंगे, अपन एक बार चला के देख लेंगे अपन। फिर ये देखिए अपना फाइनली अपना बॉक्स बन के तैयार है। ये देखिए अपन क्या करेंगे, अभी इसको बॉक्स बन गया है पूरा अपना, ओके हो गया है अपने, जो जो इसको था वो सब कर दिया हमने। तो देख सकते हैं आप अपना, ये अपना बॉक्स बन के तैयार है एल्युमिनियम में अपना। ये देखिए अभी क्या करेंगे, इसको इसका ये मार्किंग जो है ना, इसमें मार्किंग मारने वाले हैं। चेक करके देख लिया था अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है अपना, जो ये लॉक है ना वो रुकने वाला है, वो क्लिप इधर बिठाने वाले हैं हम अच्छी तरीके से। देख लेंगे एक बार अच्छी तरीके से चला के, बराबर वर्क कर रहा है। तो ठीक है, इधर अच्छी तरीके से चल रहा है। तो फाइनली ये देखिए अपना बॉक्स बन के तैयार है। तो ये देख सकते हैं आप, ये अपने हमने बनाया है 1.5 बाई ऐसा, हाइट में 1.5 फिट है, लेंथ में 2 फिट है और ऐसा लंबाई में 3 फिट है। आपको कितने फिट का चाहिए आप बता सकते हैं। तो ये देख सकते हैं हमने एल्युमिनियम में बनाया है, ये अपने नाश्ता सेंटर का, इसमें बड़ा पाव वगैरह रखने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं आप अपना पूरा एल्युमिनियम में बन के तैयार है। तो चलिए